हाय दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ इंपेक्सपर्ट्स वर्ल्ड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दिस इज पार्ट ऑफ जीएफई ग्रुप, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हम लोग इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काम करें, इसके लिए हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करें और अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में लेके कैसे जाएं। उसके लिए हम उनको काफी सारी ट्रेनिंग, काफी सारे सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। आप हमारे साथ आ सकते हैं अगर आपको भी इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, अपने कुछ प्रोडक्ट है जो आपको एक्सपोर्ट करने हैं, या आपके पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट की लाइन में आ रहे हैं, तो हम उसमें आपको काफी सारी सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि बायर्स हमें कनेक्ट नहीं हो पा रहे बायर्स के साथ में, हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास बायर्स का डेटा भी है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और हमें जेन्युइन बायर्स नहीं मिल रहे हैं। इस पे मैं वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको दे चुका हूं, एक लेटेस्ट कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। बेसिक गलतियां लोग करते क्या है, मैं आपको टॉप की 3 गलतियां बताऊंगा जहां पे लोग गलती करते हैं। पहली गलती, आपकी वेबसाइट बराबर नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक, योर वेबसाइट इज नॉट गुड। आपने एक वेबसाइट बना ली अपने किसी दोस्त से, अपने किसी घर में, कोई आज हर घर में एक डेवलपर होता है, तो आपने एक बेसिक वेबसाइट बना लिया, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है अबाउट अस, कब ये चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, विजन क्या है, मिशन क्या है, बहुत बड़े बड़े चीजें। दोस्तों, किसी के पास आज इतना टाइम नहीं है। लोगों का जो पहले जो एक स्पान ऑफ फोकस होता था वो बहुत ज्यादा था पहले, अभी वो बहुत कम हो गया है, वो बहुत शॉर्ट हो गया है। अभी आपको 10 सेकंड में आपके वेबसाइट में आपको क्या ऐसा डालना है कि 10 सेकंड में लोगों को समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हो। वेबसाइट 99% लोगों की गलत बनी हुई है। हमारे पास जो लोग हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी या हमारे साथ जितने भी कस्टमर्स आते हैं हमसे चीजें सीखने के लिए, करने के लिए, उनको हम सबसे पहले ये गलती उनकी ठीक करवाते हैं कि भाई अपनी वेबसाइट पहले चेंज करो, क्योंकि वो बोलते सर वेबसाइट तो हमारे पास है। वो वेबसाइट आपकी किसी काम की नहीं है, उसमें आपने इतना कंटेंट भर के रखा है कि वो एक बहुत बड़ा बंडल बन गया जिसको कोई खोलने को, देखने को तैयार नहीं है, और वो इतनी हैवी भी हो जाती है, उसमें इतनी सारी इमेजेस पिक्चर्स आप डाल देते हो कि वो खुलती भी नहीं है। कई बार खुलने में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में उतना पेशेंस है ही नहीं किसी के पास। पहली गलती ये ध्यान रखिएगा, सिंपल वेबसाइट, लाइट वेबसाइट होनी चाहिए, बहुत लाइट इमेजेस उसमें होनी चाहिए और बहुत सिंपल कंटेंट होना चाहिए। 4 लाइन में अपनी बात समझाओ, 4 लाइन ओनली। दूसरी बड़ी गलती, आपका प्रेजेंस ही नहीं है सोशल मीडिया पे, आपका प्रेजेंस ही नहीं है B2B प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप किसी को अप्रोच भी करते हो, सबसे पहले वो चेक करता है कि आपका लिंक्डइन पे क्या प्रोफाइल है, आपका फेसबुक पे क्या प्रोफाइल है, आपने कहा कहा पे यूट्यूब पे कुछ डाल के रखा है क्या। और अगर आपका ये सब पे प्रोफाइल इसको नहीं दिखता है, या वो इंडिया के जो लोकल B2B है उन पे भी सर्च करते हैं, इंडिया मार्ट पे आपका प्रेजेंस है कि नहीं है, आपका ट्रेड इंडिया पे प्रेजेंस है कि नहीं है, आपका जस्ट डायल पे प्रेजेंस है कि नहीं है, और आप अगर ये सब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हो तो वो आपको मान के चलता है कि आप फेक बायर हो, आप फेक सप्लायर हो, आपके पास कोई जेन्युइन काम नहीं है। आप भले कितने भी जेन्युइन हो, लेकिन आपने अगर ये गलती की है कि आप प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं हो, इसलिए हम अपने सारे कस्टमर्स को सारे प्लेटफॉर्म पे पूरा रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। उसके लिए हमने एक पूरी अलग टीम रखी हुई है, उस टीम का काम ही है कि पूरा आपका सोशल मीडिया का ऑडिट करना, B2B का ऑडिट करना पहले तो, और आपका प्रेजेंस अगर वहां पे नहीं है तो उसको प्रेजेंस को वहां पे क्रिएट करना। तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, तीसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कम्युनिकेशन गलत तरीके से करते हैं। गलत टेम्पलेट होगा, गलत फॉर्मेट होगा, मेल आप लंबा लंबा लिख देंगे, कुछ भी अटैचमेंट उठा के भेज देंगे, सीधा वो स्पैम में चली जाती है, फिर आप उसका फॉलोअप भी नहीं करते हैं, तो ये सब गलतियां हो रही है। आप उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दो, अगर व्हाट्सएप उस कंट्री में चालू है, ज्यादातर कंट्रीज में व्हाट्सएप चालू है, आप उसको एक छोटा मैसेज मेल पे भेज दीजिए, उनको फिर फॉलोअप कर लीजिए। 90% केसेस में अगर आप सही तरीके से मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई मिलता है, भले वो सामने से ना बोल दे कि भाई अभी हमारे पास कैपेसिटी फुल है, अभी वी डोंट वांट टू बाय, बट ही विल रिस्पॉन्ड यू, दे विल रिस्पॉन्ड यू। आपका कम्युनिकेशन गलत तरीके से होता है, गलत फॉर्मेट में होता है, गलत टेम्पलेट में होता है, इसलिए हम अपने कस्टमर्स को टेम्पलेट बना के देते हैं कि भैया यही टेम्पलेट फॉलो करना है, यही फॉर्मेट में काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो ये 3 बड़ी गलतियां अगर आप लोग कर रहे हैं, इन 3 गलतियों को सुधार लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपका कनेक्टिविटी बायर्स के साथ बिल्कुल बन जाएगा और वो आपको जेन्युइनली लेगा और आपके साथ प्रॉपर काम करेगा। 90% केस में आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप 10 बायर को कॉन्टेक्ट करते हो तो 10 में से 2 बायर पॉजिटिव निकलते ही है, रिस्पॉन्स तो 8 का आएगा, 9 का आएगा 10 में से। लेकिन काफी सारे लोग ऐसा बोलेंगे ऑलरेडी हम लोग स्टक है, ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास सप्लायर्स हैं, दिस एंड दैट। पर 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका रेट पूछेंगे, जो आगे की बात करेंगे, जो आपसे पूछेंगे कि क्या करना है आगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बस हमें वही चाहिए।
तो दोस्तों ये तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी कोई आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए तो बताइएगा और हमारे साथ कनेक्ट रहिए और इस वीडियो को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी, क्योंकि हम आपके लिए रेलेवेंट वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेलेवेंट वीडियोस मिलते रहे और आपको आगे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ बहुत सारी चीजें जो आपके काम की होती है। हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।